उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रशासन की आज बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रविवार सुबह से ही उनकी पत्नी और बेटों के होटल गजल पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। होटल गिराने की तैयारी शनिवार रात से ही शुरू कर दी गई थी और पूरी रात होटल के बाहर दुकानों को खाली कराने का काम चलता रहा। सुबह करीब 7 बजे इसे SPCT और SDM के नेतृत्व में गिरा दिया गया। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी, साथ ही लोगों की भीड़ भी होटल का ध्वस्तीकरण देखने के लिए जुट गई थी। होटल को गिराने के लिए आप देख सकते हैं करीब 2 से 3 JCB मशीन लगाई गई हैं। बता दें कि गजल होटल को ढहाने से पहले लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने शनिवार की शाम गजल होटल के मालिक अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अपील खारिज कर दी थी। दोनों मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इनके नाम से ये होटल था। इस सुनवाई के बाद 15 पेज के फैसले में SDM सदर विनियमित क्षेत्र अधिकारी के ध्वस्तीकरण के फैसले को सही मानते हुए अग्रिम कार्रवाई का आदेश दिया था। शहर के महुआ बाग में स्थित मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कार्रवाई से पहले आज सुबह एक इलाके में बैरिकेटिंग करते हुए वाहनों के आवागमन को रोक लगा दी गई थी। बता दें कि बीते जून को सदर SDM प्रभास कुमार ने गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें कई अनियमितता मिली थी, साथ ही होटल के नक्शे को भी SDM ने निरस्त कर दिया था। गजल होटल के अवैध निर्माण और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर भी मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों समेत 12 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बता दें कि SDM के नोटिस पर मुख्तार अंसारी का पक्ष हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं को DM के सामने अपील करने का निर्देश दिया था। अपील निरस्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। UP सरकार की ओर से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक मुख्तार की कई संपत्तियों पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इतना ही नहीं, कई करीबियों की संपत्तियों पर भी सरकार नजर बनाए हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।